मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, आप में से किस किस को पसंद है? हमारे घर में भी सबको पसंद है। तो चलिए आज बनाएंगे पनीर की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से, फटाफट से बन भी जाएगी और गारंटी मेरी है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले शाही पनीर की सब्जी आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत कम घी में बनेगी ये देखिए, और लाजवाब इतनी कलर, टेक्स्चर, टेस्ट, और पनीर तो ऐसा बनाए बिल्कुल मुँह में रखते ही घुल जाए, एकदम सुपर सॉफ्ट जैसी हम रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाकर खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ईजी एंड टेस्टी। और आप इस खुद का इस पनीर का टेक्स्चर खुद ही देख लीजिए, एकदम स्मूथ सिल्की शादियों वाला शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। और सबसे खास बात, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए और घर के ही सामान से बने। इसके लिए मैंने 2-3 टमाटर, 2 प्याज, थोड़े से काजू, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 लहसुन की कलियाँ, ये सब पहले ही साफ करके रख लिए। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कटोरी पानी लेंगे। आप बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेगी। थोड़े से खड़े मसाले और यही डालिए और इतने ही डालिए तो बिल्कुल बाजार वाला टेक्स्चर, कलर और टेस्ट सब चीज़ आएगी। अब इसके अंदर सारा सामान डालते जाएंगे। मैंने 1 स्टार एनीस यानी चक्रफूल लिया है, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 8 या 10 लहसुन की गलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 काजू लिए हैं। सारी चीज़ें डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और ढककर 5 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे। 5 मिनट के अंदर ही हाई फ्लेम पर उबाला था मैंने, ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है। और ये पानी हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस पानी का आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में, तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और पनीर इसको ढककर रख दिया। इतनी देर मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रेसिपी बनानी थी, घर में कोई आने वाला था तो मैंने कहा चलो रेसिपी भी बन जाएगी और आपके साथ वीडियो शेयर भी हो जाएगी और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। ऐसी रेसिपीज़ जो है मेहमान के आने पर हम अक्सर बनाते ही हैं कोई ना कोई। बस इस तरह से 400 ग्राम पनीर के मैंने लंबे लंबे और मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर एक फ्राइंग पैन के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून के लगभग देसी घी लेंगे और पनीर के सारे टुकड़े जो हमने कट करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस समय भी हमें मीडियम रखना है, लो नहीं रखना। अब इस तरह से आप पनीर बनाएंगे ना तो इतना सॉफ्ट बनेगा, मुझे खुद यही कॉम्प्लीमेंट मिला है कि ये बेस्ट पनीर की सब्जी थी। अब इसके अंदर जो है हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि पनीर जो होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसको सॉफ्ट रखने की सारी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप सब्जी बनाएंगे ना तो भी पनीर उतना ही सॉफ्ट रहेगा। एक बार आप बेशक मेरे कहने से ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आकर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। आप खुद ही लाइक और शेयर करेंगे पर आप भी आपको प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब इतनी देर हमारा ये देखिए जो पानी में हमने सारी चीज़ें बॉईल की थी ना वो ठंडी हो गई हैं, तो जिस प्लेट में मैंने पनीर काटा था ना उसी प्लेट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। इसके अंदर से हम खड़े मसाले, दालचीनी, चक्रफूल और तेज़पत्ता तीनों चीज़ निकाल देंगे। लौंग, इलायची और काली मिर्च को मसाले के साथ पीसना है और जो पानी था ना उसके अंदर मैंने वो जो पनीर फ्राई किया फटाफट से वो डाल दिया। पानी तेज गर्म है और पनीर मैंने अच्छे से फ्राई कर ही लिया है, लाल नहीं करना, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए और आसान लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी। ये देखिए क्या सुपर सॉफ्ट पनीर है ना, आपके सामने ही दिखा रही हूँ। अब जो मसाला था ठंडा किया उसको मैंने पीस लिया, मिक्सी के जार में बहुत सारा जो है अभी भी लगा हुआ है मसाला, तो हम क्या करेंगे 1/2 कप के लगभग पानी जो है मैंने मिक्सी के जार में डाला, उसे चलाया, वही वाला पानी जो कि पनीर से बचाया हुआ था, उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना। इस तरह से वही पानी को मैंने चलाकर इसमें डाल दिया तो उसे सारा का सारा फ्लेवर जो है मसालों का इसके अंदर आ जाएगा। आप रेसिपी को पूरा फॉलो करें, अपने घर में तैयार करें, उसके बाद ही मेरे को कमेंट करें, लेकिन करें ज़रूर, ये आपको भी करना पड़ेगा। ये देखिए आप पनीर में कितना कम पानी बचा है। अब हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने फ्राइंग पैन में पनीर कर दिया था क्योंकि कढ़ाई में सब्जी बनानी थी। 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे, ये सब्जी देसी घी में ही बनती है, और वो खड़े मसाले जो हमने अभी सामान में डाले थे वो ही वापस निकाल के मैंने फेंके नहीं थे उनको डाल दिया। 1/2 चम्मच जीरे को चटकाया और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से पहले आप ग्रेवी को तैयार रखें क्योंकि अगर कश्मीरी लाल मिर्च जल गई तो टेस्ट खराब कर देगी, साथ में कलर भी, और कलर देखिए क्या लाजवाब आता है ना रेस्टोरेंट में इसी तरह का कलर। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे,
थोड़ा सा इसके अंदर हम कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। बस और ज़्यादा मसालों की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे। नमक का ध्यान रखें क्योंकि नमक हमने मसालों को उबालने में भी डाला था और थोड़ा सा पनीर में भी। बस स्वाद के अनुसार मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया और इसमें 3-4 चम्मच के लगभग चीनी ज़रूर जाएगी क्योंकि शाही पनीर है और शाही सब्ज़ियाँ हल्की सी मिठास पे होती हैं, वो पनीर को के टेस्ट को बिल्कुल बैलेंस कर देती हैं। अब हम इसको इसी तरह ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए। बस इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, नहीं तो क्या होगा कि काजू होने के कारण तली में लग जाएगा या फिर आप नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में बनाएं। अब मैंने घर की मलाई 1 चम्मच डाल दी। आज मैंने बहुत कम फैट का यानी चिकनाई का इस्तेमाल किया है। आए एंड तक भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने इसमें घी ज़्यादा डाला है। ढककर पकाएंगे और लगातार 2-3 बार बीच बीच में चला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और सारा घी ऊपर की तरफ रिलीज़ हो गया। दैट मीन्स हमारी सब्जी का मसाला अच्छे से भुन गया। और ये देखिए नीचे तली में से मैंने बिल्कुल भी लगने नहीं दिया है, ये मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। बस करना क्या है आपको, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। अब डालेंगे क्योंकि शाही पनीर बना रहे हैं तो ग्रेवी के लिए इसमें पानी बिल्कुल मत डालिए। अच्छा टेक्सचर लाने के लिए डालिए 1 कप दूध, तभी कलर टेक्सचर और क्रीमीनेस तो इतनी ज़्यादा आएगी ना, बहुत ज़्यादा कोई घी भी डालना नहीं पड़ेगा और एकदम क्रीमी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। बस ग्रेवी रेडी है, इसके अंदर डाल दीजिए पनीर और इसे 2 मिनट तक ढककर बंद बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाइए। 2 मिनट के अंदर ही पनीर जो है सारा मसाला एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए 1 कप पानी बचा है, लेकिन इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। आप कोई भी सब्जी या दाल बनाए ना, इसको कटोरी में करिए और फ्रिज में रख दीजिए। जब भी शाम को कोई दाल सब्जी बनाइए उसमें डाल दीजिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर है। ये देखिए मैंने ढककर इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया था। बहुत बढ़िया शाही पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। कलर भी वही, टेक्सचर भी वही, स्मूथनेस भी वही और टेस्ट वो तो बिल्कुल वही आया है। मेरे घर में सबने मुझे यही कहा कि बिल्कुल बाजार वाला शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अब पनीर की सब्जी हमारी तैयार है। आप इसे पूरी, पराठा, नान, फुलका या राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए, सबके साथ इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। सबसे अच्छे तो ये बटर नान के साथ लगेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कंप्लीट फूड हो जाएगा। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक